अब ये तीन हमारे पास टाइप्स बनती है, L1 L2 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर L2 L3 का, फिर L3 L1 का। तो इन तीनों का फर्स्ट में हमने L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखो अगर आपने वैसे दूसरे तरीके से करना है ना, ये 7x - y - 10 = 0, तो इधर से आप वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की वैल्यू क्या निकल आई, ये 7x - 10 ये दूसरे में पुट कर दो, जहां वाई आ रहा है 10x + 7x - 10 - 41 = 0। वाई की वैल्यू ये थी ना 7x - 10, ये वाली वैल्यू फर्स्ट में से निकाली। ये एक तरीका कार, अगर आपको नहीं आता तो ये ना करो, तो ये सिंपल तरीका कार है। पहले में से वाई की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दो जहां जहां वाई आ रहा है। तो 10x एज इट इज, वाई की जगह हमने 7x - 10 पुट कर दिया। ये 10x और 7x कितना बन गया, 17x, तो ये -51 बन गया। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +51। तो इधर से डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, 17 पे डिवाइड करेंगे 3। देखें इसका आंसर भी 3 आया था ना इधर, ये नीचे। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपके पास तीन चार मेथड है इसको सॉल्व करने के ना। एक में से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, या सिंपल इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लो। जब इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा -51 और ये बन जाएगा 17। ये तीसरा तरीका आ गया। चौथा तरीका आप वो क्वाड्रेटिक, सॉरी इनवर्स मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्रैमर रूल लगा सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ मेथड्स हैं आपके पास। तो लाइन 1 और लाइन 2 को पहले हमने सॉल्व कर लिया, फिर लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व किया, फिर लाइन 3 और 1 को सॉल्व करेंगे। लाइन 2 और लाइन 3 आ गई, उनका आंसर आ गया। फिर ये देखें लाइन 1 और लाइन 3 आ गई, इनको भी सॉल्व कर लिया। अब तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या बन गए, बेसिकली तो उसने यही कहा है ना, एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट करना। एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट करने का तरीका कार, उसने एक फार्मूला हमें क्या बताया, x1 y1, x2 y2, x3 y3, साथ इधर 1 1 1, इनका डिटर्मिनेंट। ये एरिया हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली इनके वो नहीं थे, पॉइंट्स नहीं थे, तो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। पॉइंट्स तीनों के आ गए, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो अब ये देखें, पहला पॉइंट जो L1 और L2 को सोल्व किया था, वो ये आ गया 3 और 11। ये 3 11, x1 y1, ये आ गया x2 y2, फिर x3 y3, और एट द एंड हमारे पास जो इधर है 1 1 1 होता है हमारे पास, और 1/2 इसका फार्मूला में जो होता है एरिया का फार्मूला जो भरा था हमने 1/2, उसको अगर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, जस्ट हमने डिटर्मिनेंट 3/3 का एक्सपेंड करने का तरीका कार आपको बताया हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन ऐसे कर सकते हो कि पहला 3 5 1 11 -9 और -3, दोबारा लिख लो एक दफा ना, ये पहले 2 कॉलम्स, अब 3 बन गए। अब ये देखो इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये जो 3 है 1 2 3, ये अगले पे लग गया। फिर 3 9 बार - 27 जमा 11 और 1 और 1, ये 11 आ गया। 1 5 और -3, ये 3, इसके प्रिंसिपल डायगोनल हो गए, ये कितना बन गया 3 5 बार 15, 15 3 बार - 45, ये आगे प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे आप ऐसे करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल से सेकेंडरी माइनस 2/2 में सेकेंडरी डायगनल माइनस करते हैं। अब ये सेकेंडरी डायगनल को इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये बन जाएगा -9, ये बन जाएगा -9 और ये बन जाएगा 55। जब इनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे।